धर्मशाला की कार्नेशन फूल की महक का अब देश दीवाना होने लगा है। कार्नेशन की पैदावार धर्मशाला में होने से इसकी महक देश में फैल चुकी है। मुख्य तौर पर दिल्ली व पंजाब कार्नेशन फूल की मांग बढ़ने लगी है। धर्मशाला निवासी जितेंद्र कश्यप ने उद्यान विभाग की पॉली हाउस स्कीम की मदद से फूलों की खेती शुरू कर दी है, जिसमें कार्नेशन फूल काफी फल फूल रहा है। जितेंद्र कश्यप के लिए कार्नेशन फूल आज काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। धर्मशाला के इस किसान ने अपने पॉली हाउस में कार्नेशन फूल का उत्पादन किया है। इस फूल की खेती उत्तरांचल में भी की जाती है। हिमाचल के धर्मशाला में पैदा हुए कार्नेशन फूल देश भर में बेचा जा रहा है, जबकि पंजाब और दिल्ली में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जितेंद्र कश्यप इसे प्रदेश में भी बेच रहे हैं। अब जितेंद्र हिमाचल में पहली बार सिम्बिडियम ऑर्किड फूल की खेती शुरू की है, जिसका फूल 3 वर्ष बाद निकलता है और इसकी अभी तक हिमाचल में पैदावार नहीं की गई है। ये फूल अभी तक सिर्फ सिक्किम में ही पैदा होता था, लेकिन अब इसकी खेती की शुरुआत हिमाचल की धर्मशाला में हुई है। जितेंद्र कश्यप ने बताया कि उद्यान विभाग की मदद से सिम्बिडियम ऑर्किड की पहली बार धर्मशाला में खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक बार इसकी पैदावार की जाए तो ये आजीवन चलता है। इसकी कीमत 250 से 300 रुपए है। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह कश्यप, मैं योल से बिलोंग करता हूँ और अंदराड़ गांव में मैंने पॉली हाउस लगा रखे हैं। इन पॉली हाउसेज में मैं फ्लोरिकल्चर कर रहा हूँ। पॉली हाउस लगाने के लिए मुझे उद्यान विभाग की ओर से सब्सिडी दी गई थी। अभी हमने कार्नेशन नाम का फूल लगाया हुआ है। तो सर क्या प्रॉफिट होता है? अभी इसका रेट 12 रुपए प्रति फूल हमें मिल रहा है। अगर इसका रेट हमें 5 रुपए तक भी मिले तभी इसको हम प्रॉफिटेबल मानते हैं। और सर बेरोजगार युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? सर हिमाचल का क्लाइमेट फूलों के काम के लिए बहुत सूटेबल है और जिन युवाओं के पास जमीन है मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि वो इस काम में आएं और इस काम को करें, क्योंकि ये काम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सर आप भी विदेश में रहते थे तो क्या कारण रहा कि आप फिर आप वापस इंडिया में आए? सर विदेश में मैं नौकरी करता था, लेकिन आज हमें अपने घर में भी ये सक्सेसफुल हो सकते हैं हम इस काम को करके, इसलिए मैं वहाँ की नौकरी छोड़ के यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। धर्मशाला के ही निवासी अमित नागपाल का कहना है कि पहले पॉली हाउस शुरू किया है, करीब 13,95,000 की लागत आई है, जिसमें उद्यान विभाग से 85% सब्सिडी भी मिली है। फूल की पैदावार से उन्हें काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने प्रदेश के बेरोजगारों युवाओं से आग्रह किया है कि वे सभी पॉली हाउस लगाकर उद्यान विभाग से सब्सिडी लेकर फूलों की खेती करें और इसे अपना व्यवसाय बनाएं। मैं अमित नागपाल, सुकड़ में अपना पॉली हाउस लगाए हुए हैं। इसमें मैंने कार्नेशन और खीरा लगाया हुआ है। कार्नेशन की क्रॉप जो है वो हमारी 3 साल चलती है, खीरे की क्रॉप 3 महीने में निकल जाती है और इसमें हमारे को विभाग से 85% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। तो मेरे तो अपने जितने भी ग्रोअर हैं उन सबसे बेरोजगार बंदे जिनके पास अपनी ज़मीन है, मेरी उनको यही राय होगी कि वो अपनी ज़मीन पर अपने खुद की खेतीबाड़ी करें, ताकि इधर उधर भागने से अच्छा कि वो अपनी ज़मीन पर ही अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। तो कार्नेशन फूल जो है वो कहाँ होता है? होता तो हिमाचल में ज़्यादा अच्छा होता है, उधर क्वालिटी अच्छी निकल आती है। वैसे तो सब जगह होता है पर क्वालिटी यहाँ पे बढ़िया निकलती है, जितना ठंडा इलाका होगा उतने अच्छी क्वालिटी निकलती है। बाकी बिकता तो ये दिल्ली है, चंडीगढ़ बिक जाता है, तो लोकल बेचना हो तो लोकल भी बिक जाता है, पर अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में है तो आपको दिल्ली ही भेजना पड़ता है। उद्यान विभाग धर्मशाला के अधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा कई योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। इसे कई लोगों ने अपनी आजीविका का साधन बनाया है। आज किसान के लिए उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही पॉली हाउस की स्कीम के तहत प्रदेश भर में किसान लाभ ले रहे हैं। विभाग इसमें 85% सब्सिडी देता है, साथ ही पौधा रोपण के लिए मदद करता है। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग पॉली हाउस योजनाओं का लाभ आज प्रदेश भर के किसान ले रहे हैं। अधिकतर लोग सब्जी उत्पादन करते हैं। धर्मशाला के जितेंद्र हिमाचल में पहली बार सिम्बिडियम ऑर्किड फूल की पैदावार कर रहे हैं। ये फूल सिक्किम में ही मिलता है, लेकिन पहली बार इसकी पैदावार हिमाचल के धर्मशाला में हो रही है। उद्यान विभाग जिला कांगड़ा के समस्त बेरोजगारों से ये आह्वान करता है कि जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि है वो उद्यान विभाग के वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों में, जिनमें विभाग
पॉली हाउस की खेती, पॉली हाउस की स्थापना, पानी जल भंडारण टैंक बनाना, बोर बैल लगाना, केंचुआ खाद इकाई की स्थापना इत्यादि, इन सब घटकों में उद्यान विभाग 50 से लेकर 85% तक का अनुदान मुहैया करवा रहा है। और जितने भी बेरोजगार हैं, अगर वो इस प्रकार की फूलों की खेती या उच्च तकनीक वाली सब्जियों की खेती अपने जमीन पे करें तो उनको बहुत लाभ होगा और उन्हें कहीं पे भी नौकरी के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा और अपने घर में रह के ही वो अपनी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं। स्वयं की नौकरी के साथ वो जिन लोगों को उन्होंने काम पे रखा होगा वो उनके भी एक रोजगार के साधन बन सकते हैं। तो हमारा प्रदेश के और जिला के समस्त नवयुवकों से ये अनुरोध है कि वो उद्यान विभाग की गतिविधियों का संपूर्ण लाभ उठाएं। थैंक यू।